About the delimitation. Delimitation, as we all have heard since it has been happening for last 72 years, many delimitations have taken place, but they were all there for empowering the people. Unfortunately, this delimitation commission whole exercise was done with a view how to disempower the people of Jammu and Kashmir. We have rejected its draft. We were not members in any of their committees. Unfortunately, the people, only people in power today are either National Conference's 3 MPs from Kashmir or BJP's 2 MPs from Jammu. Whatever our objections would definitely be put forward before the Delimitation Commission. My first objection, which I would like to take even before it is sent to public, is that did the Delimitation Commission really go to the public here? They came, visited us, not even like our tourists who visit us. They at least visit us for 7 days. A tourist visits 7 days to cover Kashmir, to see Kashmir. They had to decide about the future of our 1 crore and 30 lakh people. They spent 2 days here. How can they do justice with us? So my first objection is they have not covered the ground. Unless they hear the people, the elected representatives at the ground level, at least 2 days, 3 days in every district, how could they do justice? It is not that they have to draw lines on a map. Then there was no need. Then they could have put an artist could draw much beautiful lines. Graphics can be done. Government is going to reorganize the BDCs. Altaf sahab, PAGD mein 2 partiyan, aham partiyan, MC aur PDP. Sahab, aap sab log jante hain. Ab kab tak ye jhoot kahenge? Ye assembly khali aapke rozmarra masail. आज जो लोगों की सुनवाई नहीं होती है वो सुनवाई कल जब आपके अपने नुमाइंदे होंगे वो सुनवाई होगी, आपकी डेवलपमेंटल नीड्स को एड्रेस होगा। बाकी कोई पॉलिटिकल जिसकी हमारी पहचान से इवन आवर स्टेटहुड कैन नॉट बी रेस्टोर्ड बाय आवर असेंबली, इट हैज़ टू बी रेस्टोर्ड बाय पार्लियामेंट, इट हैज़ टू बी रेस्टोर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट, इट कैन नॉट बी डन बाय अस। ये धोखा दे रही है, यही तो हम कहते हैं कि धोखे पे मबनी, ये लोगों को धोखा देते हैं। इसे इन्होंने नहीं ऑटोनॉमी पास की, आपको याद है क्या? फिर मिली ऑटोनॉमी क्यों? ये धोखा था, इनको मालूम था। इन्होंने तो इख्तदार नहीं छोड़ा। चलो अगर ये एहतजाज में इख्तदार ही छोड़ते हम कहते हैं ये सिंसियर थे। तो मैं लोगों से बोधमाना तौर ये कहना चाहता हूँ साहब, ये असेंबली के इलेक्शन 370 और 35A के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपको सबको याद होगा इन्होंने अभी जब DDC के इलेक्शन हुए तब भी बोला हम लड़ रहे हैं क्योंकि वो वापस लाएंगे। क्या ये लाए? कब तक ये हमें झूठ बोलेंगे? हम पीएजीडी के खिलाफ नहीं हैं, हम पीएजीडी के झूठ के खिलाफ हैं। और अगर वो हमसे डरते हैं, वो हमसे हमारी शक्लों से नहीं डरते हैं, वो हमारे सच से डरते हैं। क्यों हम सच बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हालिया इकदाम डेवलपमेंट में क्या आपको लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट संजीदा है अब यहाँ पे जम्मू बाहर कर रही है? देखिए वो संजीदा है या नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग की ज़रूरत है कि उनकी एक आवामी सरकार हो, उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए उनकी संजीदगी होनी या ना होनी शायद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं कह सकता है, वो तो उनके दिलों में क्या है हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों की ज़रूरत है कि उनको एक अपनी चुनी हुई सरकार मिले ताकि वो कहीं जाके अपना दाद बिदाद सुनाएं। आज कोई दाद बिदाद सुनता नहीं है। आज उनको ये मालूम नहीं है कि आप देखिए डिलिमिटेशन में अनंतनाग को राजौरी पुंछ से जोड़ा गया है, अगर उसमें कोई यहाँ का लोकल अफसर होता या लोकल की इनपुट ली होती तो उनको कोई बताता 6 महीने तो मुगल रोड बंद होता है। खुदा ना करे अगर MP वहाँ से हो या यहाँ से हो तो 6 महीने क्या उसको इंतज़ार करना है लोगों को उससे मिलने के लिए? इसी तरह यहाँ पे जो करना में किया गया है, जिस तरह से किया गया है,
तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे उम्मीद है और मेरी गुजारिश होगी आवाम से कि वो जोक दर जोक इसमें अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल करें जो उनको लगता है, और हमारी जमात भी ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हमें पहले सबको ऑब्जेक्शंस करनी चाहिए। जम्मू के लोग भी करेंगे, कश्मीर के लोग भी करेंगे, सियासी जमातें भी करेंगी, और उसके बाद आप एक जमहूरी अमल की बहाली चाहते हैं, कितनी ही बुरी वो हो, फिर भी वो इस ब्यूरोक्रेटिक रिजीम से बहुत अच्छी होगी, क्यों? उसमें एक लोकल फैक्टर होगा जिन पे लोगों ने अपना एतमाद जताया होगा, इसलिए उस लिहाज से तो उस अमल के थ्रू जाना ही पड़ेगा। अभी चीज़ को अभी रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि उस इन्फ्लेशन या कम्युनल राइट्स बढ़ सकते हैं? देखिए, कम्युनल राइट्स करवाने की कोशिश हमेशा यहाँ रही है, लेकिन मुबारकबाद ही देता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो कभी भी इस झांसे में नहीं पड़े, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया है किसी ने भी जब कोशिश की यहाँ कम्युनल राइट्स कराने की वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि लोग बुनियादी तौर ये समझ चुके हैं कि ये खेल कुछ शर पसंदों का है और वो इसमें उनका साथ नहीं देते। उन्होंने हर एक चीज़ ख़त्म की। सुनिए, इस इमारत को आप नए सिरे से एक एक ईंट लगा के तामीर करना है, और मैं इसीलिए क्लेम करता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वाहिद जमात है जो जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों को, इंशाल्लाह लद्दाख को भी इकट्ठे नीचे से नई तरह से तामीर करेगा, चाहे वुमन कमीशन की बात हो, चाहे बाकी चीज़ों की बात हो। शख्स इस पॉलिटिकल एरेना में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है जो सिफर से जिसने शुरू किया हो और ख़ुद कुछ बनाया हो, उसे मालूम है सिफर से कैसे बनाते हैं और एम्प्लॉई नहीं एम्प्लॉयर कैसे बनते हैं। अल्लाह के फजल से खुद बैठूंगा, लोगों ने अगर हम पे एतमाद किया, खुद बैठूंगा इन नौजवानों के साथ और एक्सपर्ट्स के साथ, और वो स्कीम में लाऊंगा जिनसे वो खाली एम्प्लॉयमेंट ही नहीं पाए, एम्प्लॉयर भी बने।